accept two arrays, accept two arrays, and display third array by making the square of elements of both the arrays in third array and display third array. For example, मीन्स एरे वन है अगर 1 2 3 4 5, एरे टू है 10 20 30 40 50, ओके, तो यू हैव टू प्रोड्यूस द स्क्वायर इन द थर्ड एरे 9 देन 16 देन 25 देन 100 400 900 1600 and 900 सही था ना 20 400 900 1600, लाइक दैट यू हैव टू डिस्प्ले द थर्ड एरे. नाउ सी व्हाट डज द चेंज इन दिस, कि मुझे दो एरे बनानी है, ओके, मुझे यूजर से एक्सेप्ट करानी है दो एरे, और 5 5 एलिमेंट्स की एरे इनपुट करवानी है, ओके, और फिर थर्ड एरे उनका स्क्वायर करके प्रिंट करानी है. मीन्स यहाँ पर मुझे एरे इनिशियलाइज नहीं करनी है, एक्सेप्ट टू एरेज लिखा हुआ, ओके, इट मीन्स व्हाट, कि मुझे दो एरे यूजर से इनपुट करानी है, और इट इज ऑलरेडी गिवन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा. अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कितने एलिमेंट की एरे, दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल, ओके, ऐसा मेंशन नहीं है कि 5 एलिमेंट्स की एरे ही है. तो ये प्रोग्राम तुम मेथड कॉल से भी कर सकते हो और स्कैनर से भी कर सकते हो, राइट, ठीक है, समझ में आया. मेथड कॉल से भी एरे एक्सेप्ट कर सकते हो और स्कैनर से भी एरे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक. मेथड कॉल से करेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे इंट ए वन कॉमा इंट ए टू, ओके. फिर इसके बाद अब मुझे, अब अगर मैंने मेथड कॉल में एक्सेप्ट किया है तो मुझे कैसे पता कि यूजर कितना एलिमेंट एंटर कराएगा, ठीक है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ओके, If you remember, तो int length 1 equals to a1 dot length, int length 2 equals to a2 dot length, right? दोनों element की enter हो गई, दोनों array की length आ गई. अब मैं यहाँ पर int length 3 equals to len1
प्लस लेन टू, ओके दोनों लेंथ ऐड हो गए। तो अब मैं जो थर्ड एरे बनाऊंगी इंट ए थ्री इक्वल्स टू न्यू इंट, उसकी लेंथ कितनी रखूंगी, लेंथ थ्री की, राइट अंडरस्टूड। अब बस फॉर लूप चला करके मुझे इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन लेंथ थ्री आई प्लस प्लस, ओके देन आफ्टर इट मुझे एरे थ्री में वैल्यू डालनी है ए थ्री कि आई पोजीशन पर वैल्यू नहीं, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है सेम ये यहां पर। अब मैं एरे वन से डालू या एरे थ्री से डालू, अब मुझे पता नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले लेन वन, ठीक है इस केस में दो लूप चलाना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है लेंथ वन तक की चलाएंगे, ओके और यहाँ पर किससे रखेंगे ए वन से, एरे वन से मैंने लिया और आए, ठीक। फिर ये सेम लूप में चला सकती हूँ लेन वन प्लस करके इसी में, मगर फिर यहाँ का प्रॉब्लम होगा, अगर हमारे पास फिक्स साइज है ना कि दोनों एरे सेम है तो मैं एक ही लूप से कर सकती हूँ, बट व्हेन इट इज नॉट फिक्स कि दोनों एरे सेम है तो उस केस में मुझे सेफर साइड दूसरा लूप ही चलाना चाहिए जो कि जीरो से लेके लेन टू तक, ओके और फिर ये एरे थ्री के आई पे नहीं, एरे थ्री के लेन वन के प्लस वन से मुझे एरे टू से एलिमेंट निकालने हैं, लाइक दैट अंडरस्टूड द डिफरेंस। अब यहाँ पे डिस्प्ले का लूप फॉर इंट राइट इट क्विकली जीरो आई लेस देन यहाँ पे चलाएंगे हम लेन टू लेन थ्री सॉरी देन आई प्लस प्लस देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना इसकी अगर अभी इतने में समझ नहीं हो रहा है तो, ए थ्री का आई पोजीशन मैम पर हमें तो स्क्वायर करना था ना, ओके सॉरी तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे ए वन यस का हेलो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को अलग वेरिएबल में डाल के भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है चला के देख लेते हैं देन एग्जीक्यूट फर्स्ट 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 कौन सा था एलिमेंट में डाला मैंने, ठीक है मैं यहाँ पे एलिमेंट डालती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव, ओके यहाँ पे एलिमेंट में डालती हूँ टेन ट्वेंटी थर्टी सिर्फ तीन एलिमेंट, ओके देख लेते हैं क्या रहता है, यस मगर ये जीरो जीरो आया देखो जीरो 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 ये मिस्टेक हो गई क्योंकि वो जो लूप चला